तो कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे ख्याल से आप सभी अच्छे ही होंगे। जैसे कि आज साल 2023 का आखिरी दिन है, तो मैंने भी सोचा क्यों ना इस साल को यादगार बनाया जाए। इसलिए आज के वीडियो में मैं 5 ऐसे मिस्टीरियस फैक्ट बताने वाला हूँ, जिसे सुनने के बाद आप भी यही बोलेंगे, गजब। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, आखिर क्यों शगुन के लिफाफे में दिया जाता है 1 रुपये का सिक्का? आप अब तक कई शादी, मुंडन व अन्य तीज त्योहारों में अपने रिश्तेदारों के घर गए होंगे। इन अवसरों पर आपने उन्हें कोई ना कोई उपहार या नेक तो जरूर दिया होगा। अक्सर देखा गया है कि लोग नेक या शगुन के लिफाफे में 1 रुपये का सिक्का जरूर देते हैं। आजकल तो बाजारों में मिलने वाले शगुन के लिफाफे में पहले से ही 1 रुपये का सिक्का लगा हुआ आता है। आपने भी कई बार ऐसे मौकों पर शगुन का लिफाफा देते हुए 1 रुपये का सिक्का जरूर दिया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर शगुन के तौर पर 1 रुपये का सिक्का ही क्यों दिया जाता है? शादी में शगुन के तौर पर 1 रुपये का सिक्का किसी भी जोड़े को इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर आप 1 रुपये को किसी नोट के साथ दें, तो शगुन के तौर पर दी जाने वाली राशि की संख्या विभाजित ना होने वाली संख्या बन जाती है। ऐसे में सभी लोग यही दुआ करते हैं कि नया जोड़ा हमेशा एक साथ रहे, इसलिए नेक में 1 रुपये का सिक्का दिया जाता है। इसके अलावा किसी भी नए रिश्ते के लिए ये संख्या बेहद ही शुभ और अच्छी मानी जाती है। कई मान्यताओं के अनुसार नए जोड़े या किसी व्यक्ति को 1 रुपये का सिक्का ये सोचकर भी दिया जाता है कि उसे उसके जीवन में आर्थिक रूप से समृद्धि मिले और उसके साथ हमेशा शुभ हो। इसके अलावा 1 रुपये का सिक्का निवेश के प्रतीक रूप में भी देखा जाता है। शगुन के तौर पर 1 रुपये का सिक्का देने का एक अहम कारण यह भी है कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी को धातु के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे में शगुन के लिफाफे में लगा हुआ 1 रुपये का सिक्का माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। वही इसके विपरीत मान्यता है कि दुख की घड़ी में कभी भी किसी भी व्यक्ति को 1 रुपये का सिक्का नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये इस बात का प्रतीक माना जाता है कि जो पल ये घटना आपने आज देखी है, आप ये बार बार देखें, इसलिए आप गलती से भी किसी को दुख की घड़ी में 1 रुपये का सिक्का ना दे। वहीं पुराने समय की बात करें तो पुराने समय में लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था कि शगुन में 501 या 2001 रुपया दे सके। इसलिए पहले के लोग शगुन के रूप में 1 रुपया बढ़ाकर यानी 11 या 21 रुपये का शगुन देते थे। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करना बेहद ही शुभ माना जाता था। वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि शगुन में दिए जाने वाला 1 रुपये का सिक्का उसे देने वाले और लेने वाले दोनों के लिए बेहद ही शुभ और खास माना जाता है। इसलिए यह परंपरा बरसों से चली आ रही है और शायद इसका महत्व जानने के बाद यह परंपरा आगे भी चलती रहेगी। फैक्ट नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि करंट लगने पर हमारे शरीर में ऐसा क्या होता है कि मौत हो जाती है? हमारे आसपास की सभी चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में है। जैसे पृथ्वी में नॉर्थ और साउथ पोल है, उसी प्रकार से हमारा शरीर भी है। हमारे शरीर में कई प्रकार के आयन होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। जब किसी भी तरह का करंट लगता है तो ये आयन रिएक्ट करते हैं, जिससे एक तरह का एक्सपोजर होता है और उसी तरह का रिएक्शन देखने को मिलता है। मान लीजिए कि मसल में एक्सपोजर होता है तो मसल टाइट हो जाती है, इसे मसल एक्सपेंजन कहते हैं। मान लीजिए कि यही चीज आपके ब्रेन के साथ होती है तो आपके ब्रेन में झटके आने लगते हैं। यही अगर हार्ट के साथ होता है तो आपका हार्ट अलग तरह से धड़कने लगता है, इसे आर्टिमिया कहते हैं। जब हमारी बॉडी करंट लगने पर रिएक्ट करती है तो 3 प्रकार की इंजरी होती है। नंबर 1, फ्लैश इंजरी। इसमें थोड़े समय के लिए एक्सपोजर होता है और थोड़े से ही टिश्यू डैमेज होते हैं, ये लोकल डैमेज होता है। अगर थोड़े लंबे समय के लिए एक्सपोजर हुआ और जिसमें कपड़े जल जाए तो उसे फ्लैश इंजरी कहते हैं। नंबर 2, लाइट इंजरी। जिसमें बहुत ही कम समय के लिए शॉक लगता है लेकिन करंट पूरी बॉडी में चला जाता है, उसको लाइट इंजरी बोलते हैं। और नंबर 3, ट्रू इंजरी। इसमें ह्यूमन बॉडी इलेक्ट्रिक सर्किट का ही पार्ट बन जाती है। अब जानते हैं कि करंट लगने से मौत क्यों हो जाती है। दरअसल ट्रू इंजरी और लाइट इंजरी बहुत ही डेंजरस होती है, ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। करंट लगने से मौत होने का सबसे बड़ा कारण हार्ट का रिएक्शन होता है। इसमें हार्ट फड़फड़ाने लगता है, यानी ना ही खून पंप करता है ना रुकता, बस जल्दी जल्दी पंप होता है। इसे एंट्रियल एवं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं और ये मौत का कारण भी बन सकता है। कई बार पेशेंट कोमा में भी चला जाता है, सांस बंद हो जाती है, इसे कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट भी कहते हैं। अब जानते हैं कि करंट लगने पर तुरंत क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सबसे पहले अपने आसपास के एरिया को चेक करें कि कहीं वहाँ करंट तो नहीं फैला। अगर करंट फैला है तो बहुत ही सावधानी से उस इलाके में जाएं। अगर वो कोमा में है और कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा तो उसे CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन देना चाहिए, यानी कि छाती पर दबाव देकर और मुंह से सांस देकर रिवाइव करने की कोशिश करें। इसके बाद तुरंत इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इलेक्ट्रिक शॉक की सिचुएशन में लोगों के साथ इस तरह के साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अगर किसी को करंट लग जाए तो आप उसकी मदद कैसे कर सकते हैं, ये आपने थोड़ी देर पहले ही समझ लिया। इसे हमेशा याद रखिएगा क्योंकि कभी भी जरूरत पड़ सकती है। और हाँ, नंगे तारों से दूर ही रहे और उनके आसपास सावधानी बरते। फैक्ट नंबर 3, आखिर कहाँ से लिया गया है लेडी जस्टिस की मूर्ति का कॉन्सेप्ट और क्यों न्याय की मूर्ति की आंखों पर पट्टी बंधी होती है? तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कहाँ से आया लेडी जस्टिस का कॉन्सेप्ट। कहा जाता है कि लेडी जस्टिस का कॉन्सेप्ट मिस्र और यूनान से आया है। दरअसल दुनिया भर के कोर्ट रूम में नजर आने वाली ये मूर्ति मिस्र की देवी मार्ट और यूनान की देवी हेमस और डाइक से प्रेरित है। जानकारी के मुताबिक मिस्र में गॉड्स मार्ट को संतुलन, समानता, न्याय, कानून और व्यवस्था का प्रतीक माना जाता है, जबकि यूनान
संविधान की गॉड्स थेमस सच्चाई कानून और व्यवस्था और गॉड्स डाई असली न्याय और नैतिक व्यवस्था को दर्शाती है। लेडी जस्टिस की आंखों पर काली पट्टी बंधी होती है जो समानता का प्रतीक मानी जाती है। उनकी आंखों पर काली पट्टी इसलिए बांधी गई है ताकि न्याय करते समय किसी के साथ भेदभाव ना हो। वही कुछ इतिहासकारों का कहना है कि पट्टी की अवधारणा 17वीं शताब्दी में आई और इसे कानून के अंधेपन के तौर पर देखा गया। न्याय की देवी ने अपने एक हाथ में तराजू पकड़ी है जिसका कॉन्सेप्ट मिस्र से आया है, क्योंकि वहां तराजू को न्याय और संतुलन का प्रतीक माना जाता है जो दर्शाता है कि किसी के साथ न्याय करते समय दोनों पक्षों को सुना जाएगा। इसके अलावा कानून की देवी के एक हाथ में तलवार भी होती है जो शक्ति का प्रतीक है। इसे अथॉरिटी और पावर के तौर पर देखा जाता है। इसका मतलब है कि जो भी न्याय हुआ है उसे लागू करवाने की पूरी ताकत न्याय की देवी के पास होती है। वही आज के समय में जो मूर्ति अदालतों में रखी जाती है, कहते हैं कि इस लेडी जस्टिस का कॉन्सेप्ट रोमन मिथिकों से आया है। दरअसल रोमन के लोग इन्हीं तीन देवियों की तर्ज पर जस्टिसिया को न्याय की देवी मानते थे। इस तरह धीरे धीरे जस्टिसिया ही लेडी जस्टिस हो गई। फैक्ट नंबर 4, आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आखिर कुत्ते रात में ही क्यों भौंकते हैं, तो आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। हिंदू धर्म शास्त्रों की माने तो कुत्ते वो सब कुछ देख और सुन सकते हैं जो इंसान अपनी इन आँखों से नहीं देख पाते। ऐसे में बताया जाता है कि कुत्ते उन लोगों को भी देख सकते हैं जो अब जिंदा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कुत्ते आत्माओं को भी आसानी से देख सकते हैं। ऐसे में कोई आत्मा रात में चलती चलती उनके आर पार निकल जाती है तो वो बुरी तरह से डर जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं, और जब कोई भूत प्रेत आपस में बात करते हैं तो वो भी इनको सुनाई देता है और ऐसे में ये भौंकने और रोने लगते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये रात को पितृ एवं देवताओं को भी देख लेते हैं तब भी ये रोने लगते हैं। कुछ अन्य कारणों से भी कुत्ते रात में जोर जोर से रोते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा अकेला महसूस करने पर भी ये रोने लगते हैं। इनको अगर तेज भूख लगी हो और पूरे दिन भर इन्होंने कुछ नहीं खाया हो तब भी ये रोते हैं ताकि कोई इन्हें भोजन दे दे और पानी पिला दे। इसीलिए आप सभी से निवेदन है, अगर रात में कोई कुत्ता आपके घर के आसपास रोता हुआ दिखे तो उसे अपने समर्थ अनुसार खाना पानी जरूर दे। फैक्ट नंबर 5, वैसे तो दुनिया में कई सारे पेंटिंग्स है और उन सब की अलग अलग कहानी और खासियत है, पर आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस पेंटिंग के बारे में जिसे दुनिया की सबसे रहस्यमय और पॉपुलर पेंटिंग मानी जाती है। ये एक ऐसी पेंटिंग है जिसके बारे में आज तक बहुत कुछ लिखा जा चुका है और इस पेंटिंग पर कई रिसर्च भी हो चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ मोनालिसा पेंटिंग की। मोनालिसा पेंटिंग को करीब 500 साल पहले लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। इस पेंटिंग को बनाने में उन्हें 14 साल का समय लग गया था और हैरानी की बात तो ये है कि मोनालिसा के सिर्फ होंठ बनाने में 12 साल लग गए थे। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से ज्यादा लेयर्स का उपयोग किया गया था। कहते हैं कि फ्रांस के एक आर्टिस्ट ल्यूक मेस्पेरो इस पेंटिंग के पीछे इतने पागल थे कि उन्होंने अपने होटल की छत से कूदकर जान दे दी थी। एक बार ये पेंटिंग म्यूजियम से चोरी भी हो गई थी। अजीब बात यह है कि चोरी होने के बाद से ये ज्यादा पॉपुलर हो गई। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया में मोनालिसा की जुड़वा पेंटिंग भी है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि आज तक ये नहीं पता चल पाया कि मोनालिसा पेंटिंग में ये महिला कौन है। आज भी ये एक रहस्य है। और तो अगर आपका मन खुश है तो आपको लगेगा कि पेंटिंग में वो महिला हंस रही है, और अगर आपका मन उदास है तो आपको लगेगा कि वो महिला उदास है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इन रहस्यों के बारे में जान सके। और हमारी तरफ से आपको और आपके परिवार वालों को नया साल 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं।